घाट भवन ये धर्मशाला बनाया जा रहा है 10x20 का। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्काई सिनेमैटिक ब्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आया था बनारस और फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग ये G20 का ये महासम्मेलन जो होने वाला है उसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ये देख पा रहे हैं आप लोग और ये काफ़ी बेहतरीन बना दिया गया है ये देख पा रहे हैं आप लोग। कभी किसी टाइम में ये इस कंडीशन ये नहीं थी। अब इंजन दिखा पा रहा हूँ मैं कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने लगाया गया है देख पा रहे हैं आप लोग। ये कैंट है और सामने देख पा रहे हैं फ्रेंड ये आप लोग रेलवे स्टेशन ठीक सामने मेरे हैं। उसका भी पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है। इस वक्त मैं वाराणसी कैंट पर आ चुका हूँ कैंट पर और मैं आपको लेके चलता हूँ घाट पे लेके चलता हूँ। वहाँ की अपडेट जो देना था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज। आज वहाँ की अपडेट पूरी डिटेल में आप लोगों को शेयर करूँगा मैं। तो चलते हैं घाट पे। सो फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग ये काफ़ी चाट भंडार है यहाँ पे और देख पा रहे हैं आप लोग ये गोदौलिया में है काफ़ी चाट भंडार। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ये रास्ता जाएगा और ये जो सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये घाट की तरफ जाएगा। जैसा समय घाट ये मेन रास्ता है यही जाएगा और मैं जिधर से आ रहा हूँ ये गोदौलिया ये लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे दर्शन करेंगे। ये दिखाते हैं यहाँ पे मार्केट भी बहुत सारी मार्केट लगी हुई है ये देख पा रहे हैं आप लोग। फ्रेंड काफ़ी चीज़ें ये देख पा रहे हैं आप लोग ये दर्शन करने जब जाते हैं श्रद्धालु तो ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं। ये 10x20 का ये गंगा जल लोगों को लेने के लिए ये यहाँ पे डब्बा बिक रहा है देख पा रहे हैं आप लोग। फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग ये बेहतरीन यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप लोग बनाया गया है और ये दशा समय घाट भवन ये धर्मशाला बनाया जा रहा है बिल्कुल घाट के बिल्कुल पास में ही है ये। इस वक्त मैं घाट पे आ चुका हूँ मेरे सामने ही घाट है देख पा रहे हैं आप लोग। ये घाट पे भीड़ देख पा रहे हैं आप लोग। आज संडे का दिन है और करीब 5:30 इस वक्त बज रहा है और 7 बजे यहाँ पे आरती स्टार्ट होती है। ये जो श्रद्धालु हैं ये जो दर्शन के लिए लोग आए हैं इन लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं आप लोग। काफ़ी मात्रा में भीड़ है और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। भैरवी घाट ये देख पा रहे हैं आप लोग ये बाकी ऊपर लॉज वज है पड़ेगा इधर ही चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग ये नाय के माध्यम से ये लोग उस पार जाएंगे सैर करके फिर वापस आएंगे ये लोग। ये देख पा रहे हैं आप लोग इतना बढ़िया सा स्टीमर। सो फ्रेंड वीडियो के माध्यम से मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को ये सामने कॉरिडोर है फिर उसके बाद जो घाट है वो है नमोनमा घाट ये ब्रिज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सो फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग ये खूबसूरत नज़ारा जो इस वक्त दिखा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को दशा सुमेघ घाट जो सामने दिख रहा है ये दशा सुमेघ घाट है और बहुत ही इस वक्त मौसम बहुत ही बेहतरीन हो चुका है और यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं ये जो दर्शन के लिए आए हैं इन लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा इस वक्त क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और आज नदी के किनारे से ही मैं पूरा व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जितने घाट हैं जितने घाट बसे हुए हैं वाराणसी सिटी के। पहले कॉरिडोर दिखाता हूँ आप लोगों को सामने कॉरिडोर है आइए लेके चलते हैं आपको। फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग ये एक सामने मेरे कॉरिडोर है ये यही नया बनाया गया है यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप लोग। और बाकी यहाँ से साइड से जाएंगे हम तो वो ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को वहाँ पर वहीं पर है नमोनमा घाट काफ़ी दूर है यहाँ से तो पैदल जाना पड़ेगा। बाकी आप ये देख पा रहे हैं कॉरिडोर बहुत ही शानदार बनाया गया है और ये लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं लोग काफ़ी रिलैक्स हैं काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है इन लोगों को। गोदौलिया से मेन रास्ता इसका है और ये पीछे वाला रास्ता घाट की तरफ से ये घाट की तरफ से रास्ता है फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग। और ये भाई लोग यहाँ पे हैं हम लोग घूमने के लिए आए थे घूमने के लिए आए थे यहाँ से हैं अच्छा फैमिली के साथ ही घूमने के लिए आए थे। आइए दिखाते हैं आप लोगों को कॉरिडोर दिखा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को ये
ये कॉरिडोर देख पा रहे हैं आप लोग। इसका रास्ता अभी भाई ने बताया कि इसका और भी एक रास्ता है जो गोदौलिया की तरफ से आगे से एक रास्ता है। फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे पुलिसकर्मी लोग बिल्कुल तैनात हैं यहाँ पे और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ये लोग। सीढ़ी पर से जितने लोग बैठे हुए हैं लोगों को हटा रहे हैं। ये सीढ़ियों पर से आप लोग अलग कहीं और बैठिए, मतलब सीढ़ियाँ खाली रखिए, दर्शन के लिए जो भी आएंगे लोग डायरेक्ट अंदर जाएंगे। आप लोग ये दर्शन करके, ये लोग यहाँ पे सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। जाएंगे ना इस लिफ्ट के माध्यम से आप दर्शन करने जा सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग। सो फ्रेंड लेके चल रहे हैं आप लोगों को पूरा मंदिर के अंदर, कॉरिडोर जो है उसके अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का व्यू। अंदर तो यार गजब का व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं आप लोग भवन वन किसके नाम पे सब पड़ा, ये देख पा रहे हैं आप लोग। अंदर रेस्टोरेंट पूरा बनाया गया है, बहुत ही शानदार ये लग रहा है देख के। ये फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग कॉरिडोर के अंदर ये भारत माता की प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। सो फ्रेंड दर्शन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं, वो दिखा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को। वहाँ सामने जाएंगे आप लोग, मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग ये बिल्कुल पास में ये कॉरिडोर के अंदर ही ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। बाकी देख पा रहे हैं आप लोग फ्रेंड, ये खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पे और ये सामने मेन्यू देख पा रहे हैं। तो यहाँ से टोकन लेंगे आप, फिर उसके बाद आपको काउंटर बने हुए हैं इस पे जाएंगे आप और यहाँ से टोकन देंगे और खाने की चीज़ें मिलेंगी आपको। मैंने ये टोकन यहाँ से ले लिया है, कॉफ़ी लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। आई चलते हैं काउंटर नंबर 4 पे, बता रहा है 4 नंबर काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे मिलेगी कॉफ़ी। ये फ्रेंड 4 नंबर काउंटर, ये देख पा रहे हैं, ये टोकन दिया मैंने भैया को, ये कॉफ़ी देंगे यहाँ पे। कौन सी कॉफ़ी है? फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी है लाइए, टाइम लगेगा फ्रेंड। यहाँ पे दर्शन करने के लिए जो भी लोग आते हैं वो 12 बजे रात तक दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, फिर उसके बाद नहीं आना है। 12 बजे रात तक आप आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर लग रही है कॉफ़ी लाने में, कॉफ़ी को गर्म उसके बाद लेके आएंगे। ये फ्रेंड आपका आ गई कॉफ़ी हमारी, ये फिल्टर कॉफ़ी है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, आइए चलते हैं टेबल पर, यहाँ बैठ के मज़े से कॉफ़ी पियेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे कोई मुश्किल नहीं है। सो फ्रेंड कॉफ़ी पी के फिर उसके बाद टेस्ट बताते हैं आपको कि कॉफ़ी यहाँ की कैसी है। रेस्टोरेंट अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है टेस्ट अच्छा है, कड़क है कॉफ़ी, बेहतरीन कॉफ़ी बनाते हैं यहाँ पे। और भी चीज़ें टेस्ट करता हूँ लेकिन देर हो गई है।